देख के यशोदा भई हैरान चले में बैठ करके चले हैं तो माँ यशोदा सामने पहुंच गई तो भगवान बोले हे मैया तुम रोना, मामा ने बुलाया है, हम अवश्य तुम्हारे पास लौट करके आ जाएंगे। माँ यशोदा को समझा करके भगवान हट नहीं पाए, तब तक गोपियों ने रथ घेर लिया और राधा ने आंखों आंखों में सारा किया, श्याम ए आ जा रहे हो कहां जा रहे हो? तो भगवान बोले हे राधा ये एक से एक रुपया पुष्पेंद्र सिंह मास्टर साहब जोशी गांव ततरी के रहने वाले हैं उनकी तरफ से आए हैं, एक से एक रुपया दे करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। और ये एक से एक रुपया हमें भेजवा रहे हैं ग्वालेश कुमार सनब श्री संतोष कुमार उसी गांव ततरई के रहने वाले हैं उनकी तरफ से आए हैं। ग्वालेश कुमार की तरफ से एक रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है। और एक से एक रुपया सीटू यादव जो हमारे भतीजे हैं उनकी तरफ से आए हैं। कामना करते भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। इधर भगवान बोले हे राधा, अरे राधा मथुरा नगरी री पर बुलाया है, कल धनुष यज्ञ देखेंगे और परसों 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 हम जरूर आ जाएंगे, तुम घबराओ नहीं। और जो इतने शब्द राधा ने सुने, राधा बोली से क्या जाने से पहले हमें एक बार नहीं बता सकते थे क्या मथुरा में जा रहे हैं? मथुरा में बड़े सुंदर सुंदर महल बने हैं, वृंदावन में यहाँ झोपड़ी डली है, यहाँ तुम्हें कैसे अच्छा लगेगा? हमें का मालूम था तुम मोम भी हो पत्थर भी हो। इतने शब्द कहने के बाद राधा रोई गई राधा सुखमारी ही कोई पकड़ी श्याम को हाथ।
हमें का मालूम था तुम तो मोम भी हो पत्थर भी हो कन्हैया बोले राधा तुम रोना कल की बात है परसों विश्वास मानो हम अवश्य लौट करके आ जाएंगे। अब भगवान कन्हैया राधा को समझाते हैं और रथ में बैठ करके चले हैं। तो भगवत श्रोताओ क्या गुजरती है जब एक प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है। आहा ममता कैसी है और ये यशोदा से मिल के पूछो अब क्या प्रेमी की गति होती है ये राधा के दिल से पूछो। हमारे बड़े विधाता जी एक गीत गाया करते थे राधा को धैर्य धारण कराती है का राधा तुम रो ना। अगर परसों की कह के गए हैं घनश्याम तो अवश्य आएंगे तुम रो मत। इधर गोपियां राधा को धैर्य धारण कराती हैं और उधर बड़े भैया बलराम नंद बाबा सब ग्वाल बाल भगवान कन्हैया पहुंचे हैं कंस के फूट बाग में। तो कन्हैया बोले बाबा जब मथुरा नगरिया बहुत सुंदर है और तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो मथुरा नगरिया को देखे आए। नंद बाबा बोले हैं श्याम ये वृंदावन नहीं है मथुरा है भोजराज कंस का शासन है और तुम यहाँ घूमने के लिए मत जाओ। कन्हैया बोले बाबा दूर दूर से नगर देखने के बाद में हम तुरंत लौट करके आ रहे हैं। तो बलराम नंद बाबा बोले हैं अकेले नहीं जाओगे बलराम से कहे हैं तुम कन्हैया के साथ में चले जाओ अब मथुरा नगरिया घुमाने के बाद में तुरंत लौट करके आओ। अब चले हैं सब ग्वाल बाल बड़े भैया बलराम भगवान कन्हैया देखते हुए जा रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर महल हैं बड़े सुंदर सुंदर अटाट आ रही है हाँ लेकिन जिस रास्ते से जा रहे थे क्या देखा है भगवान ने उसी रास्ते पर एक कंस का धोबी आ रहा है शराब के नशा में
भगवान बोले हैं धोबी भैया कहाँ जा रहे हो? धोबी बोला दिखाई नहीं पड़ता कंस का धोबी हूँ। तो भगवान बोले धोबी भैया कंस के मेहमान तो हम नहीं है। धोबी बोला तो क्या करूं, उठा के सर पे बैठा लू हट दा। भगवान बोले धोबी, धोबी बोला चिल्लाओ नहीं, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है मथुरा। वो धोबी भगवान से बिल्कुल नहीं दबा, और दबे कैसे, जब दबा तब मनवाई ना होते, जब दबा तब मनवाई ना होते। भगवान बोले ही धोबी ये नंद बाबा की जागी नहीं है, मथुरा है मथुरा। बोला है मधुबनी धोबी भगवान से बिल्कुल नहीं दबा, भगवान का कन्हैया ने धोबी के गाल पर खींच करके तमाचा दिया। धोबी भी होश होकर के गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद वो धोबी खत्म हो गया। भक्त जनों